हम लोग बचपन के दिनों से पार्ले जी बिस्किट खाते आ रहे हैं। हम क्या हमारे मम्मी पापा और हमारा पूरा परिवार यही खाकर पूरे बड़े हुए हैं। समय के साथ साथ बहुत कुछ बदल गया। नहीं बदला तो एक समय में दुनिया का सबसे मशहूर बिस्किट रहा पार्ले जी का पैकेट। हालांकि पार्ले ने उसके बाद कई सारे अपने प्रोडक्ट्स मार्केट में उतारे, लेकिन उन्होंने ओरिजिनल पार्ले जी के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की। इस पार्ले जी बिस्किट के साथ पिछली दो पीढ़ियों की यादें जुड़ी हुई है। आज भी इसकी पॉपुलैरिटी में कोई भी कमी नहीं आई है। सन 2011 में नीलसन के द्वारा किए गए एक सर्वे के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला बिस्कुट पार्ले जी है। हम जब भी इसके कवर को देखते हैं तो हमारे मन में एक सवाल तो जरूर आता है कि आखिर इस बिस्कुट के पैकेट पर दिखने वाली एक बच्ची कौन है। उससे भी जरूरी और बड़ा सवाल एक ही, वो आजकल कहाँ है और क्या कर रही होगी। हालांकि इस बिस्कुट के कवर पर दिखने वाली इस बच्ची को लेकर बहुत कंट्रोवर्सी है। इस फोटो वाली बच्ची को 3 महीनाओं के नाम से जोड़ा जाता है। तो आइए विस्तार में जानते हैं आखिर कौन है ये लड़की। मुंबई के विले पार्ले में रहने वाले एक चौहान परिवार ने साल 1929 में एक पार्ले नाम की कंपनी की शुरुआत की। शुरुआत में सिर्फ कंफेक्शनरी मतलब केक, पेस्ट्रीज, कुकीज जैसी चीजें बनाकर बेचते थे, लेकिन मार्केट में डिमांड थी बिस्कुट की और वो पूरी कर रही थी ब्रिटिश कंपनियां। साल 1939 से पार्ले ने इंडिया में ही बिस्कुट बनाकर उसे इंडिया में ही बेचना शुरू कर दिया। गाड़ी चल पड़ी। 1980 तक ये पार्ले ग्लूको बिस्किट के नाम से आती थी। बाद में इसका नाम बदल कर रख दिया गया पार्ले जी। समय के साथ साथ जिस जी का माने ग्लूकोज हुआ करता था वो बदल कर हो गया जीनियस। साथ ही में इसके कवर पर दिखने वाली फोटो भी बदल गई। पहले इसके कवर पर गाय एवं ग्वालन बनी होती थी, लेकिन बाद के दशक में उस ग्वालन को इस प्यारी सी बच्ची ने रिप्लेस कर दिया। ये कंपनी की प्रमोशनल स्ट्रेटजी थी। पार्ले जी के पैकेट की बच्ची को लेकर बहुत बार बहस हो चुकी है। नीरू देशपांडे, सुधा मूर्ति यानी आईटी इंडस्ट्री नारायण मूर्ति की पत्नी और गुंजन गुंडानिया नाम की 3 महिलाओं के इस बच्ची होने का दावा किया जाता रहा है, लेकिन मीडिया में नीरू देशपांडे को ही ये बच्ची माना गया है। नीरू के इस फोटो के पीछे की कहानी ये है कि जब वो 4.5 साल की थी तब अपने पापा ने ये फोटो खींची थी। वो कोई प्रोफेशनल फोटोग्राफर नहीं थे, लेकिन उनकी खींची इस फोटो को जिसने देखा उसने पसंद किया। इन्हीं चक्करों में ये फोटो किसी ऐसे आदमी के हाथ लग गई जिसकी पार्ले वाले के साथ जान पहचान थी, और इस तरह से उन्हें पार्ले के पैकेट पर फीचर होने का मौका मिला। हालांकि नीरू 62 साल की उम्र दराज महिला हो चुकी है। इस खबर के साथ एक मिथ भी जुड़ा हुआ है, और वो ये कि कई जगहों पर पार्ले जी के पैकेट पर दिखने वाली महिला का नाम नीरू देशपांडे बताया जाता है, लेकिन फोटो लगाई जाती है सुधा मूर्ति की। इंफोसिस की संस्थापक नारायण मूर्ति की पत्नी सुधा मूर्ति। ये फोटो वाला झोल तो पता नहीं कब से चल रहा है, लेकिन ये बात भी सही है कि नीरू की फोटो बहुत ढूंढने पर भी नहीं मिलती, क्योंकि हर जगह सुधा मूर्ति की ही फोटो लगाई हुई है। दरअसल पार्ले जी बिस्किट कवर पर जो बच्ची दिखती है वो एक इलस्ट्रेशन है। पार्ले प्रोडक्ट्स ग्रुप के प्रोडक्ट मैनेजर मयंक शाह खुद इस बात की पुष्टि कर चुके हैं कि कवर पेज वाली बच्ची सिर्फ इलस्ट्रेशन है। इसे 60 के दशक में एवरेस्ट क्रिएटिव द्वारा मगन लाल दहिया नाम के एक आर्टिस्ट ने बनाया था। आपको इस फोटो के बारे में अभी पता चल चुका होगा। तो ये थी इस कंपनी की और इस फोटो के राज में छुपी कहानी। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही मजेदार बातें जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को।